इस घटनाक्रम के परिपेक्ष में आज प्रातःकाल गांव के एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि दो व्यक्तियों को घटना के समय खेतों में से दौड़ते हुए देखा गया था। उस मुखबिर की सूचना के आधार पर दो व्यक्तियों को पाठकपुरा चौराहे के पास से कस्टडी में लिया गया है। इनमें से नाम एक का नाम विनय उर्फ लंबू है और दूसरा उसका सहयोगी नाबालिग है जिसका नाम मैं अभी ले नहीं रही और हम काल्पनिक नाम उसको दे सकते हैं कोई। वो भी दोनों ही पाठकपुरा के रहने वाले हैं जो बबरुहा का बगल का गांव है। विनय उर्फ लंबू के का खेत इन बच्चियों के पैतृक खेत से सटा हुआ है और वह नित्य प्रतिदिन इन खेतों पर खेत की रखवाली करने, पानी चढ़ाने, घास निकालने इत्यादि के कामों से आता था और लॉकडाउन के समय से उसका इन लड़कियों से परिचय हो गया था। कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत विनय के द्वारा पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया है, उसके द्वारा कन्फेशन किया गया है। उसके कन्फेशन के मुताबिक लॉकडाउन के समय से उसका इनमें से एक बच्ची के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों बच्चियां एक साथ खेतों पर अपने काम से जाती थीं, चारा काटने के लिए और लकड़ी बटोरने के लिए जाती थीं। उसे इनके दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के बारे में मालूम था, वो भी उस हिसाब से अपने खेत पर जाता था। खेतों पर ही बैठ के दोनों आपस में बात करते थे। धीरे धीरे विनय को उस बच्ची से प्रेम हो गया और इसका उसने इजहार भी किया। उसने बच्ची से उसका फोन नंबर भी मांगा, लड़की द्वारा अपना फोन नंबर देने से मना कर दिया गया और इससे प्रेम के इजहार को भी नकार दिया गया, जिससे रुष्ट होकर उसने पहले उस पर दबाव डालने की कोशिश की कि वो बार बार प्रपोजल देने से संभवता या चिट्ठी भेजने से संभवता लड़की स्वीकार कर लेगी। लड़की द्वारा अपना नंबर देने से मना करने के उपरांत ईर्ष्यावश उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। उसके घर में मौजूद खेती के काम में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक को उसके द्वारा पानी की बोतल में मिलाकर रखा गया था। कुछ नमकीन उसने अपने इस सहयोगी नाबालिग लड़के को भेज के मंगवाया था। लड़कियां भी दुकान से उस दिन जो गांव की एक दुकान है वहां से कुछ नमकीन खरीद कर गई थी। इन लोगों ने विनय के खेत के पास में बैठकर नमकीन साथ में खाया, काफी देर गपशप की और उसके बाद विनय ने पानी की उस बोतल को अपनी उस दोस्त लड़की को दिया। लड़की के पीने के बाद उसकी दोनों बहनों ने भी छीन कर वो पानी पिया। विनय ने उनको मना करने की कोशिश की लेकिन लड़कियों ने नहीं माना और तीनों ने उस पानी का सेवन किया। पानी पीने के बाद लड़कियां बेहोश हो गईं और उनके मुंह से झाग आने लगा।